सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप हमारा नाम जान लीजिए कि हमारा नाम संजीव है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो फिर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। बहुत दिन हो गए, अभी तक हमने नारियल पानी नहीं पिए हैं और गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा ही है। तो आज मूड कर रहा है नारियल पानी पीने का, तो आज जाएंगे नारियल तोड़ने के लिए कुछ देर में। नीलू चल चल, नारियल तोड़ ले चल। ऐसे कौन बोलता है घोड़ा? जा रहे हैं, पहले नारियल तोड़ ही लेंगे क्योंकि यार गर्मी आज बहुत ही ज़्यादा किया है और इतनी गर्मी में तो रह नहीं सकेंगे, इसलिए नारियल पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो अब जा रहे हैं नारियल तोड़ने के लिए, आई मीन नारियल का पानी मतलब डाब। गाइस ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, आज 7 मास्क दिए हैं हमारे वार्ड सदस्य ने, जो कि मुखिया के तरफ से आया है। तो चलिए, कुछ फ़ायदे तो दे रही है सरकार, लेकिन अपना नाम करने के लिए भी नहीं छोड़ा, सोचिए। चलिए हम तो नारियल तोड़ने जा रहे हैं, फिलहाल कुछ भी करे सरकार हमें क्या। तो फिर चलिए नीलू, अरे चलो नारियल तोड़ेंगे। यार भाई नारियल तो बहुत ही ऊपर है, तो कैसे तोड़े कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, हमसे भी बहुत ही ज़्यादा ऊपर है। सोच रहे हैं कि कैसे, दिमाग तो लगा रहे हैं कैसे तोड़े इस नारियल को, क्योंकि नारियल पानी के बिना अभी तो गुजारा नहीं होगा। तो फिर जाते हैं पहले घर से सीढ़ी या और भी कुछ लेकर के आते हैं, देखते हैं काम बन जाए तो काम बन जाए। अरे वहाँ देखिए हमारी मम्मी खेत में घास काट, और इधर देखिए आपको बोले थे नींबू का गाछ, ये देखिए इसमें नींबू आ गए हैं। कुछ दिख रहा है वहाँ? देखिए ये 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 वाला दिख गया। अभी जा रहे हैं खेत घर, देखते हैं कुछ सामान मिल जाए घर में तोड़ने के लिए, तो फिर तोड़ेंगे। देखिए सीढ़ी निकाल चुके हैं और अब हम सीढ़ी को लेके खेत जाएंगे। अरे खेत में खाली सीढ़ी से तोड़ेगा? हाँ, मम्मी के पास है कचिया। इसे टूटबो नहीं करेगा, इससे बहुत कुछ हो जाता है, सच रहे हैं ना? हाँ, मर्डर भी हो जाता है। तो चलिए चलते हैं खेत। वो देखिए, वो हमारी पेट एनिमल्स हैं, ये मेरी छोटी है, और इधर से हम जाते हैं। इधर का नज़ारा बहुत अच्छा है। पकड़ेंगे, गिरेगा पलट जाएगा। गिरेगा डायरेक्ट नींबू का गाछ में जाके गिरेगा, और उत्ता पूरा बड़का तोड़ेगा। क्या एक टूट गया, कहाँ से मार रहा है, दर्द करने लगेगा।
दूसरा भी टूट चुका है। आ जाओ आ जाओ नीचे आओ। तो फाइनली यार दोस्तों हमने डबल डबल तोड़ तो लिए हैं, बट अभी से छिलना बाकी है, अभी से छिलेंगे। नीलू बैठ के लेके जल्दी आओ, काटेंगे। बहुत जोर से लगा है प्यास, तो चलो रखो। अब हम छीलेंगे इसको। यार मेरे भैया को ना एक डाब की दुकान खोल देनी चाहिए, 45-45 रुपए में रोज बेचेंगे। फट गया। अब लगता है निकलने वाला है पानी। हो गया भैया। ये तो लगता है ठोस है बहुत ज्यादा। नारियल बन गया। नारियल बन गया। अरे यार अब तो पूरा छिलना पड़ेगा। तो नो ये देखिए इसका ये निकल गया है, यहाँ से छील कर देती है। बाकी मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, पहले मुंह धो लेते हैं। टंकी का पानी बहुत गर्म है। ये आ गया है सरकारी नल में। अरे यार बहुत ज्यादा गर्मी है, अब उसको फोड़ना है। हमको लगता है नारियल बन गया होगा अंदर में। ये नारियल बन चुका है दोस्तों, ऐसे कोई बात नहीं। Few moments later. So finally guys, glass आ चुकी है और मेरे भैया ने डाब को ग्लास में डाल देती है। ओ, यार, ये तो मेन्यू बहुत कम निकला। मजा नहीं आया यार, बहुत कम निकला। जो भी निकला पीना तो पड़ेगा। यू मीन इधर पियो। बहुत मीठा। सो गाइस आप भी ऐसे मौसम में डाब का पानी पिया कीजिए। सो यार दोस्तों हमने नारियल तोड़ भी लिए, काट भी लिए और पी भी लिए, दिल खुश हो गया यार। अब एक और नारियल बचे हैं, वो रखे हैं, जब मन करेगा उस टाइम फिर से पी लिया जाएगा। तो फिर अब चलते हैं खेत की तरफ, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। यार दोस्तों आज तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा यार नारियल पीने के लिए। मुझे तो लगा मैं गिर जाऊँगा एक पल के लिए, लेकिन वो कहते हैं ना डर के आगे जीत है, इसीलिए मैं नारियल तोड़ने के टाइम डरा ही नहीं, इसीलिए मैंने नारियल तोड़ ही डाले। तो फिर जाते हैं खेत और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। अभी हमने खेत में लगाए हैं मकई, अभी छोटे छोटे पौधे हुए हैं और इधर लाल साग और परोल लगे हुए हैं। ये देखिए उस टाइम आपको मैं नींबू सही से नहीं ना दिखा पाया था, चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए नींबू का, ये देखिए अब दिखा गोल 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 गोल, ये देखिए गोल गोल, और भी बहुत सारे हैं इधर देखिए गोल गोल। ये छठ पूजा में जो नींबू सूप में चढ़ता है ना, ये वही नींबू है यार। नीचे बहुत सारे गाछ लगा हुआ है मकई का। इधर देखिए, इधर कहीं कहीं आपको भिंडी भी दिख रहा होगा, ये देखिए इसमें भिंडी आ गया, ये देखिए छोटा सा दिख गया। और इधर भी है, बहुत ज़्यादा ही खेत में घास हो गया मेरा। इधर देखिए इधर खाली, इधर मम्मी घास गढ़ रही है। मम्मी
घास कर रही है यार। दोस्तों मेरी मम्मी का देखिए तो पसीना से बुरा हाल हो गया। ये देखिए मम्मी हंस रही है, मेरी मम्मी हंस भी रही देखे ना। और हम अपने खेत में आपको क्या दिखाएं, चलिए आपको नए नए सब्जियां दिखाते हैं। किधर दिखाएं, किधर दे देखिए क्या है ये, पहचान रहे हैं? ये अमरूद की, अमरूद का पेड़ है। नारियल तो बहुत सारे हैं लेकिन तोड़ ही नहीं पाते हैं इसलिए पी नहीं सकते हैं। अब हम जाते हैं आपको दूसरे खेत में दिखाते हैं कि अभी क्या लगा हुआ। ये देखिए इस खेत में देखिए, ये है बोड़ा, ये बोड़ा है इसमें और गलफरी है। और यहाँ देखिए क्या दिख रहे हैं आपको, परोल। इसको कल तोड़ेंगे, अभी कल तक और थोड़े बड़े हो जाएंगे ये ना, तब इसे कल तोड़ा जाएगा। अभी पूरे खेत में दिख रहा है यही परोल ही, तो कल तोड़ेंगे इसको। फिलहाल अभी तो खाने के लिए घर में आज है ही, कल सुबह तो तोड़े ही थे। यहीं पर बैठ करके वीडियो शूट किया है मैं भोला पर्वत का, जस्ट इसी लोकेशन। यार दोस्तों मैं सरकार से एक निवेदन करता हूँ कि नीतीश सरकार ने तो बिहार के हर एक घर में जल दे दिए हैं, लेकिन उन्होंने जल का संरक्षण के लिए कोई उपाय नहीं किया है। उपाय किए हैं, नल दिए हैं, बट जिसके यहाँ नल टूट जाता है उनके यहाँ नल रिपेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी बह रहा है बह रहा है, मैंने बहुत सारों के घर देखा कि पानी अगर नल टूट गया है उनका तो पानी पूरा बहा रहे हैं। यार पानी का महत्व भी कुछ दिन में पता चलेगा लेकिन ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी ऑक्सीजन और भी कुछ हैं जो कि आप अभी खरीद रहे होंगे जो कि पहले भरपूर मात्रा में था। तो यार आप भी समझो, देश के नागरिक हो तो देश के बारे में सोचो। और वैसे भी जल किसी के संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता, ये प्राकृतिक चीज़ है। आप जितना बचाओगे आपको उतना ही काम आएगा, और क्या फ़ायदा फालतू बहाने से। तो मैं ये अपने बिहार के वासियों को सूचना देना चाहता हूँ, तो बिहार के वासियों से बस यही निवेदन करता हूँ कि पानी की बचत कीजिए। तो फिर दोस्तों बहुत वह बात, तो अब ब्लॉग को एंड करते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय। Thank you.